खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बेटा तुम्हें अब ये बहुत रियाज की जरूरत है, करते रहो, मैं आता हूं। आप गलत गा रहे हो, ऐसे गाते हैं। हमारे घर में एक अच्छा गवैया है और हमें मालूम ही नहीं। कल सुबह 6 बजे से लता की संगीत शिक्षा शुरू हो जाए, मैं खुद सिखाऊंगा। लता, जो राग तुम कल गा रही थी उसी से तुम्हारी संगीत शिक्षा शुरू करते हैं। उस राग को पुरिया धनश्री कहते हैं, पुरिया धनश्री। लता, एक बात हमेशा याद रखना, जिस तरह कविता में शब्दों का अर्थ होता है वैसे गीत में सुरों का अर्थ होता है, और गाते समय ये दोनों अर्थ उभरने चाहिए। बराबर है, बराबर है। हाँ, और एक बार। हाँ, 5 साल की नन्ही लता के संगीत की शिक्षा और रियाज के साथ शुरू हुई इतिहास बनने की शुरुआत, देश की सबसे खूबसूरत आवाज की पहचान बनने की शुरुआत, उनके 8 दशक लंबे संगीत के उस सफर की शुरुआत, 5 साल की मासूम लता के देश की सुनहरी आवाज वाली लता मंगेशकर बनने की कहानी, लता मंगेशकर की एक गायिका से देश की बेटी बनने की कहानी। क्या देख रहे हो दीनानाथ जी? अपनी खुद की कुंडली देख रहे हो? भाई, मेरी पहली पत्नी बेटी को जन्म देते चल बसी, उनकी बहन सुधामती से मैंने शादी की। आज ये कुंडली देख रहा हूं, अब सुधामती से जो मुझे संतान होगी उसमें कुछ ना कुछ दैवी अंश होगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर को उनके जन्म से पहले ही अपनी होने वाली संतान में कुछ खास बात होने का एहसास होने लगा था। उन्हें भरोसा था कि आने वाली संतान में दैवी शक्ति होगी। शायद यही वजह है कि लता मंगेशकर में उनके चाहने वाले माँ सरस्वती का रूप देखते हैं। 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म इंदौर शहर में हुआ। माँ का नाम था शेवंती उर्फ सुधामती मंगेशकर। जब लता 5 साल की हुई तो पिता को उनके गुण की पहचान होने लगी और तभी से उनका रियाज शुरू हो गया। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक बेहतरीन संगीतकार थे, उनकी एक मशहूर ड्रामा कंपनी भी थी। कुछ साल बाद वो परिवार के साथ सांगली में रहने लगे। बचपन से ही लता मंगेशकर और उनकी तीनों छोटी बहनें मीना, आशा और उषा और छोटे भाई हृदयनाथ ने घर में संगीत और सुरों का माहौल देखा था। इसी का प्रभाव था कि घर की सबसे बड़ी बेटी लता मंगेशकर का
संगीत की ओर झुकाव खुद ब खुद होता चला गया। धीरे धीरे पिता से लता ने शास्त्रीय संगीत के साथ साथ उस वक्त के मशहूर फिल्मी गीत बारीकी से सीख लिए। लेकिन लता मंगेशकर कभी स्कूल में पढ़ाई न कर सकी, उन्हें घर पर ही पढ़ाई करनी पड़ी थी। इस बारे में उनकी छोटी बहन मीना बेहद रोचक किस्सा सुनाती हैं। घर आके माँ को बोला कि मैं अभी कल से स्कूल जा रही हूँ, तो आशा को गोद में लिया और स्कूल गई। तो मास्टर जी ने कहा छोटे बच्चों को नहीं लाने का, वो उनको तुम बिठा के क्या सीखोगी। कहते तो तुम बच्चे को छोड़ के आओ फिर स्कूल में आओ। कहते मेरा अपमान किया, ये लता मंगेशकर का अपमान किया, तो मैं भी कभी नहीं स्कूल में आऊँगी। उठ के घर गई, माँ को बोला, माँ के पीछे पड़ी। कहते माँ मैं कभी स्कूल नहीं जाऊँगी। इसी दौर में केएल सहगल लता के पसंदीदा गायक और अभिनेता बन गए। माई माई, आज बाबा ने ना हमें केएल सहगल की फिल्म दिखाई चंडीदास, बहुत अच्छी फिल्म थी। उनकी आवाज, उनके गाने, उनकी तो बात ही अलग है। मैं ना बड़े होकर उनसे शादी करूंगी। लेकिन तब तक तो बूढ़े हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं फिर भी उनसे शादी कर लूंगी। छोटी उम्र से ही लता पिता के संगीत नाटकों में उनके साथ गाने लगी, साथ में अभिनय भी करने लगी। 1941 में पूरा परिवार सांगली से पूना आकर रहने लगा। धीरे धीरे पिता दीनानाथ ने बेटी को संगीत विद्या के साथ साथ जीवन की कई सीख दी। लता, जब तुम मंच पर अकेले गाती हो तो बड़े सधे हुए सुर में होती हो, लेकिन जब तुम मेरे साथ गाती हो तो कभी कभी झिझक जाती हो। बाबा वो क्या है ना कि आपके सामने मेरा गायन अभी थोड़ा कच्चा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कभी तुम मेरे साथ या किसी और के साथ गाओ तो ये मत सोचो कि तुम अपने पिता या गुरु के साथ गा रही हो, तब ये सोचो कि मेरे जैसा कोई और गायक गाना गा रहा है। घबराओ तो सिर्फ अपने आप से, और जो तुम कर रही हो अगर वो सच है तो किसी बात की परवाह मत करो। पिता से अभी बहुत सी बातें, बहुत से राग लता सीख रही थी कि उनके प्यारे बाबा का अप्रैल 1942 में निधन हो गया। 13 साल की उम्र में लता ने अपने बाबा को खो दिया। एक समृद्ध परिवार जो पिछले कुछ वक्त से पैसों की तंगी झेल रहा था, उस पर तो मानो कहर टूट पड़ा। ऐसे में घर की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया 13 साल की लता ने। लता के पिता उन्हें शुरू से अपना बेटा कहते थे, और जब पहली बार लता ने आकाशवाणी पर गाना गाया था तो पिता ने माँ से कहा कि लता की वजह से अब वो चिंता मुक्त हैं। सुधामती, अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है कि मेरे बाद मेरे परिवार की क्या दशा होगी। मेरे बाद लता तुम सबकी देखभाल करेगी। शायद अपने प्यारे बाबा की ये बात लता को मालूम थी, इसीलिए अपने प्यारे बाबा के इस दुनिया से चले जाने के बाद बेहिचक लता मंगेशकर ने परिवार की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठाने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल था कि किया क्या जाए। अब क्या होगा माई, बाबा के जाने के बाद ये घर कैसे चलेगा? अब क्या मुझे नौकरी करनी पड़ेगी?
माई मुझे गाने और नाटक में अभिनय करने के सिवा और कुछ नहीं आता। हाँ जानती हूँ कि बाबा को मेरा ये गाना और ये अभिनय करना पसंद ना आता, पर फिलहाल अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए मुझे फिल्मों में काम करना ही पड़ेगा। लेकिन वो भी कैसे मिलेगा? बाबा के दोस्त है ना अभिनेता श्रीपद जोशी, उन्होंने फिल्में बनाने वाले मास्टर विनायक से बात की है। वो एक फिल्म बना रही है, उसमें एक छोटा सा रोल मिल जाएगा और एक आध गाना गाना होगा, इससे कुछ पैसे तो मिलेंगे। जब पिताजी की डेथ हुई तब नेचुरली मुझे फिल्मों में आना पड़ा, पर फिल्मों में मैं इतनी छोटी थी कि मुझे कोई प्लेबैक तो मिलने का कोई चांस नहीं था, तो यही एक रास्ता था कि मुझे काम करना पड़ा। इसी मराठी गीत के साथ लता मंगेशकर ने प्लेबैक सिंगिंग में अपना पहला कदम रखा। साल 1943 में लता मंगेशकर ने पहली बार एक मराठी फिल्म गजभाऊ में हिंदी गाना गाया। इसके बाद मास्टर विनायक ने ही मंगेशकर परिवार को सहारा दिया और पूरे परिवार को 1943 में कोल्हापुर बुला लिया। मास्टर विनायक मशहूर अभिनेत्री नंदा के पिता थे। बहरहाल मास्टर विनायक ने एक और फिल्म बनानी शुरू की, नाम था बड़ी माँ, जिसकी हीरोइन थी मशहूर अदाकारा नूरजहां, और साथ में फिल्म में लता मंगेशकर को भी छोटा सा रोल मिला और गाना गाने का मौका भी मिला। हालांकि नूरजहां खुद एक बेहतरीन गायिका थी, लेकिन उन्हें जब भी मौका मिलता वो शूटिंग के सेट पर लता मंगेशकर को गाना सुनाने को कहती। कट, नाइस शॉट। अब भी लाइट चेंज होने में वक्त लगेगा, तब तक आप आराम कर लीजिए। कोई नहीं, तब तक हम थोड़े गीत गुनगुना लेते। वो एक लड़की है ना लता, लता जब भी हमें फुर्सत मिलती है ना तो हम लता के साथ सेट पर बस थोड़ी गीत गुनगुना लेते हैं। लता बहुत ही अच्छी जुगलबंदी करती है हमारे साथ, बहुत ही सुंदर गाती है ये विनायक साहब। मैं आपको बोल रही हूँ एक दिन ये बहुत ही आगे बढ़ेगी, आप बस देखते जाना और तुम बस रियाज करती रहो, बहुत नाम कमाओ। नूरजहां जी के मतलब सेट पे बैठी हुई थी तो जो प्रोड्यूसर थे, जो मालिक थे उनके, उन्होंने कहा कि लता इधर आओ जरा। तो उन्होंने कहा कि ये लता हमारे यहाँ काम करती है और गाती है बहुत अच्छा। मैं 14 साल की थी, 14-15 साल। तो उन्होंने कहा सुनाओ बेटा, तो मैं वहाँ बैठ गई और मैंने उनको कुछ क्लासिकल सुनाया, क्योंकि मैं उस वक्त क्लासिकल ही गाती थी ज़्यादा। तो फिर कहने लगी अच्छा कोई फिल्म का गाना सुनाओ, तो मैंने कोई फिल्म का गाना सुनाया। तो कहने लगी तुम बहुत अच्छा गाती हो बेटा, पर कोशिश करो कि क्लासिकल सीखो और क्लासिकल का रियाज करो, रियाज करना जरूरी है। उस दौर की मशहूर अदाकारा नूरजहां ने लता में अच्छी गायिका के गुण देख लिए थे। दोनों के बीच अच्छे संबंधों की शुरुआत उन्हीं दिनों से हो गई थी। बहरहाल इसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लता मंगेशकर तब के बंबई शहर आई और फिर हमेशा के लिए यहीं की हो गई। लेकिन बंबई शहर में लता मंगेशकर को बहुत संघर्ष करना पड़ा। बंबई में वो संघर्ष का दौर था। लता मंगेशकर को मास्टर विनायक का सहारा था। वो लता से अपनी फिल्मों में काम तो करवा रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि लता के अंदर एक बहुत ही प्रतिभाशाली गायिका है जिसे निखारना चाहिए। लता, तुम्हारे गुरु तो तुम्हारे पिता थे, अब तुम संगीत कैसे सीख रही हो? वो शास्त्रीय संगीत सीखना तो बंद हो गया, लेकिन बाबा के बताए बंदिशों और रागों का रियाज मैं करती रहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पिता की शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। आज से उस्ताद अमाना अली खान साहब तुम्हें शास्त्रीय संगीत सिखाएंगे। खुश रहो, मैं तुम्हें आज से सिखाऊंगा। सबसे पहले हम हंस ध्वनि राग सीखेंगे।
दूसरी तरफ परिवार चलाने की मजबूरी में लता मंगेशकर कुछ फिल्मों में काम करती रहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाने के मौके मिलने लगे। लता मंगेशकर को एक्टिंग में ज्यादा रुचि थी ही नहीं, सो जैसे ही उन्हें गाने का काम ठीक ठाक मिलने लगा तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद कहा और 1947 में एक्टिंग को अलविदा कह दिया। फिल्मों में मैंने काम किया, पर वो ऐसे ही, मतलब हीरो की बहन या हीरोइन की बहन, मुझे वो मेकअप करना और सेट पे जाना और कभी रोना और कभी हंसना, तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरा मन सबसे ज्यादा अच्छा, मतलब दिल में होता था कि गाना गाऊं। लता मंगेशकर जब थोड़ा बहुत कमाने लगी तो उन्होंने कुछ पैसे जोड़े और बड़े शौक से एक रेडियो खरीदा। माई माई, ये देखो रेडियो। अच्छा वाली है, कब से पैसे बचा रही थी इसके लिए? हाँ माई, महंगा है, पूरे 525 का है। ये आकाशवाणी है, एक दुखद समाचार। प्रसिद्ध अभिनेता और गायक श्री के एल सहगल का निधन हो गया है। ये कैसे खबर आई माई? नया रेडियो और सबसे पहली खबर मेरे पसंदीदा के एल सहगल साहब के देहांत की। वो तो मेरे आदर्श थे, मेरी बदकिस्मती के मैं उनको कभी मिल भी नहीं पाई। ये तो बदशकनी हो गई माई, मैं इसे कल ही बेच आऊंगी, भले ही कम रुपये मिले। अब मुझे ये रेडियो नहीं चाहिए। जिस दिन वो रेडियो खरीद कर वो घर ले आई, घर पे रेडियो सेट किया गया, ऑन किया गया, तो उसी पहले दिन पहली बार रेडियो से आप जानते हैं क्या खबर आई? खबर ये आई कि अब केएल सहगल नहीं रहे। बहुत उनको सदमा हुआ, दुख हुआ। लता मंगेशकर जिस दौर में प्लेबैक सिंगिंग में आई, उस जमाने में लगभग सभी अभिनेत्रियों की सिंगिंग थोड़ी भारी आवाज में होती थी। अच्छा, उनके मुकाबले 17-18 साल की लता मंगेशकर की आवाज बेहद पतली और नाजुक थी। लता मंगेशकर के इन संघर्ष के दिनों में उन्हें मास्टर विनायक के निधन का दुख भी झेलना पड़ा। इसके बाद मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर ने लता के हुनर को पहचाना, लेकिन उस वक्त लता जैसी पतली आवाज को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। देखिए शशिधर मुखर्जी साहब, आप एक बार इनकी काबिलियत को देखिए, ये बहुत अच्छा गाती है। देखिए, अरे एक बार मौका तो देख, आप कुछ नहीं समझेंगे। ये शशिधर मुखर्जी एक नई फिल्म शुरू कर रहे हैं, शहीद। कह रहे हैं कि वो तुमसे गाना नहीं गवाना चाहते हैं। बोलते हैं कि लता की आवाज बहुत पतली है, फिल्म की हीरोइन कामिनी कौशल पर ठीक नहीं लगेगी। आने वाले कुछ सालों में ये सारे प्रोड्यूसर, ये सारे डायरेक्टर तुम्हारे कदमों में होंगे, अपनी फिल्म में गवाने के लिए तुमसे भीख मांगेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक फिल्म का संगीत दे रहा हूं और फिल्म का नाम है मजबूर, तुम उसमें गाओगे। और गाने के बोल हैं, दिल मेरा तोड़ा किसी का ना छोड़ा, हाय तेरे प्यार ने दिल मेरा तोड़ा। लता, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, गाने के बोल। और ये भी समझो, जो तुम गाना गा रही हो वो किस अदाकारा पे फिल्माया जा रहा है, इससे तुम वो गाना और बेहतर गा सकती हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, गाने का एक एक अल्फाज, एक एक शब्द बिल्कुल साफ सुनाई देना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखना। लता मंगेशकर को गाने के ऑफर आने लगे, उनकी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बनने लगी। इसी दौरान एक बार उन्हें उस वक्त के मशहूर हीरो यूसुफ खान
यानी दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म में गाने के लिए बुलाया गया। जब लता मंगेशकर से उनकी मुलाकात करवाई गई, तो दिलीप कुमार ने उन्हें कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर लता मंगेशकर को बहुत बुरा लगा। वो उस वक्त के मशहूर संगीतकार अनिल बिस्वास के सहायक मोहम्मद शफी के पास गईं। शफी भैया। अरे लता, क्या हुआ? वो शफी भैया, मुझे अपनी उर्दू ठीक करनी है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? वो अनिल बिस्वास जी ने गाना गाने के लिए बुलाया था, दिलीप कुमार की नई फिल्म के लिए। वो बोले कि नई सिंगर है और बहुत अच्छा गाती है, लेकिन दिलीप कुमार जी मेरा पूरा नाम सुनते ही बोले कि ये तो मराठी है और हिंदी गानों में उर्दू के बहुत शब्द होते हैं। एक मराठी गायिका के मुंह से उर्दू का तलफ़ हाँ वही, मराठी गायकों के मुंह से उर्दू मानो दाल भात की महक आती है, ये क्या जाने उर्दू का पगार। शफी भैया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आप कुछ ऐसा बताइए ना कि जिससे मैं जल्दी से जल्दी ये भाषा सीख सकूं और सबको बता सकूं कि मैं उर्दू के गीत भी आसानी से और सही तरीके से गा सकती हूँ। ठीक है, मैं आज ही किसी मौलवी उस्ताद से बात कर लेता हूँ, लेकिन तुम परेशान ना हो, ठीक है? मराठी लोगों के तलफ़ुज में थोड़े दाल चावल की बू आती है। अच्छा। तो मैं इतनी उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा कमाल है, ये मुझे ऐसा कह रहे हैं। तो मैं जब घर गई वापस, तो पहला काम मैंने ये किया, उस वक्त मेरी पहचान थी शफी, जो म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। अच्छा। मोहम्मद शफी, हाँ, तो उनको मैंने कहा कि आप कुछ कीजिए और मुझे उर्दू सीखनी। अच्छा। ये लता मंगेशकर की खासियत है कि वो हर नई सीख को चुनौती की तरह लेती हैं। उन्हें भले ही उस वक्त दिलीप कुमार की बात बुरी लगी हो, लेकिन आज वो उनकी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्हीं की कही बात की वजह से लता मंगेशकर उर्दू के शब्द सही तलफ्फुज के साथ बोलती और गाती हैं। 1948 के बाद से ही लता मंगेशकर के गाने एक के बाद एक हिट होने लगे और 1949 में फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला उनका सबसे पहला हिट गाना बना। फिर बम्बई आए हम लोग, सब पूरी फैमिली आई कोल्हापुर से, और फिर वहाँ से शुरुआत हुई। शुरुआत होते होते फिर एक गाना हुआ, दो गाना, और फिर आएगा आने वाला आया और फिर वो चल पड़ा, तब से वो चल ही पड़ा है। बड़े बड़े संगीतकार लता मंगेशकर को पसंद करने लगे, उन्हीं से गाना गवाने लगे। पर्दे की एक से एक मशहूर हीरोइन की आवाज बन गई लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ने जमकर काम करना शुरू कर दिया, वो एक दिन में 6 से 8 गाने तक रिकॉर्ड करने लगी। ये उन दिनों की बात है जब लता मंगेशकर लगभग 20-22 साल की थी, तब उन्हें बहुत काम करना पड़ता था। वो दिन में 6 से 8 गाने तक रिकॉर्ड करती थी, सुबह 2 गाने, दोपहर को 2 गाने और फिर शाम को 2-3 और गाने। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब लता थक कर सो जाती, तो एक अजीब सा सपना उन्हें रोज रात को आता। माई, माई। हाँ लता। माई, मुझे हर रोज एक ही सपना आता है, कई महीनों से ऐसा हो रहा है। कोई डरावना सपना? नहीं, डरावना नहीं, लेकिन बहुत अलग सा है। सुबह का वक्त है, अब मैं समुंदर के पास किसी काले पत्थर के बने मंदिर के पास अकेली खड़ी हूँ। मैं ये भी नहीं जानती कि वो मंदिर किस देवी का है। मैं उस मंदिर के पास पहुँचती हूँ, उस मंदिर के पीछे भी एक दरवाजा है, मैं उसे खोलती हूँ। कुछ काले पत्थर की सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं, जिन पे रंग बिरंगा पानी बह रहा है। मैं उन सीढ़ियों पर बैठ जाती हूँ और
धीरे धीरे वो रंग बिरंगा पानी मेरे पैरों को छू रहा है। इसका क्या मतलब है माई? लता, ये भगवान का आशीर्वाद है। देखना, तुम एक दिन बहुत मशहूर होगी। अब इसे माँ का आशीर्वाद कहें या उनकी बेटी के हुनर पर भरोसा, इसके बाद तो लता मंगेशकर ने कभी मुड़कर नहीं देखा। वो कामयाबी और शोहरत की सीढ़ियाँ चढ़ती गईं और लगातार मेहनत करती रहीं। उन्होंने हर बड़े गायक के साथ गाना गाया, हर बड़ी हीरोइन की आवाज बनी, वो देश की सुनहरी आवाज बन गई। लगभग 8 दशक तक हर दिल पर राज करने वाली वो मनमोहक आवाज, जिसके चाहने वाले हर उम्र के थे, जिसके चाहने वाले हर दौर में थे। लगभग हर हीरोइन की उस जमाने में फिल्मी पर्दे पर आवाज बनी लता मंगेशकर। लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने जीता लोगों का प्यार और सम्मान, प्यार भी इस कदर कि लोग उनमें मां सरस्वती की झलक देखने लगते हैं। यकीनन लता मंगेशकर की आवाज ही उनकी पहचान है और आज उनके 90वें जन्मदिन पर उन्हें हम सब की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।